सासाराम के शेरशाह के रोजा पार्क में स्वच्छता को लेकर अमित कुमार के नेतृत्व में युवाओं ने आज से स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। अमित कुमार पेशे से शिक्षक हैं। उन्होंने बताया कि बुजुर्ग महिला पुरुष, युवा लड़की लड़कियां, बच्चे बच्चियां, बहुत सारे लोग सुबह टहलने के लिए आया करते हैं और योगा करते हैं। प्रत्येक रविवार को हम लोगों की टीम ने बीड़ा उठाया है कि इस ऐतिहासिक धरोहर के परिसर को गंदा नहीं होने देंगे। कुछ लोग अपने पानी का बॉटल, अखबार, बिस्किट रैपर सब छोड़कर चले जाते हैं, जिससे पूरा परिसर गंदा हो जाता है। सरमाग लाइव के लिए सासाराम से दयानंद तिवारी के साथ पटना से धीरज सिंह की रिपोर्ट। हम लोग प्रत्येक संडे को इस पार्क का साफ सफाई करते हैं, और इसलिए कि यहाँ सुबह सुबह 4 बजे भोर से ही 7 बजे तक पूरे शहर के लोग आकर योगा करते हैं, और योगा में पुरुष, महिलाएं, बच्चे बच्चियां हैं, सभी तरह के लोग, बुजुर्ग भी आते हैं। और जब तक स्वच्छ नहीं रहेगा तब तक स्वच्छता और योगा दोनों संभव नहीं है, और स्वच्छता जब तक नहीं रहेगा तब तक योगा नहीं संभव है। योगा जब तक संभव पूरे मन और तन से नहीं होगा तब तक मूड फ्रेश नहीं होगा और शारीरिक विकास नहीं हो सकता है, और रोग से लड़ने की क्षमता नहीं हो सकती।